इमरान खान एक फितना है, ये इस कौम को तकसीम करना चाहता है, इस कौम के नौजवानों को गुमराह कर रहा है। कौम को इस फितने की शनाख्त करनी चाहिए, कौम को इसका इदराक करना चाहिए, वरना ये कौम को किसी हादसे से दोचार कर देगा, ये कौम को इररिपेरेबल नुकसान पहुंचाएगा। अब आप देखें कि मैं समझता हूं कि अल्लाह ताला को इस कौम पे, इस मुल्क पे यकीनन रहम या अल्लाह का करम हो रहा है कि ये फितना जो है ये बेनकाब हो रहा है, ये फितना जो है ये एक्सपोज हो रहा है, इसकी शनाख्त जो है वो कौम को हो रही है। अब ये कौम का भी फ़र्ज़ है कि वो अल्लाह की तरफ से इस रहनुमाई से फ़ायदा उठाए और इसकी शनाख्त करे, इसका इदराक करे कि ये फितना जो है ये जिस तरह से अल्लाह की ज़ात इसको एक्सपोज कर रही है और ये सबके सामने अब इसकी हर बात जो है वो आ रही है कि जो ये कहता रहा और जो इसने मौक़िफ़ इख्तियार किए, और उसके बाद आप देखें यानी इतना झूठा इंसान, इतना फ्रॉड, इतना बड़ा फ्रॉड कि किस तरह से इसने अमेरिकी लेटर लहराया और किस तरह से इसने बयानियां जो है वो बनाया कि जी ये गद्दारी हो गई है, ये कौम गुलाम हो गई है, ये इस मुल्क की आज़ादी सलब हो गई है, हकीकी आज़ादी की जो है वो जदोजहद शुरू कर दी, और उसके बाद एक्सपोज ये हुआ कि ये सारा बयानी हो जाए तो फ्रॉड था, ये तो ये बना रहा था इसने, और ये तो खेल खेल रहा था कौम के साथ। हम पूरी ताकत के साथ, पूरी कमिटमेंट के साथ इंशाल्लाह ताला इसको जो है वो रोकेंगे। और जो ये कह रहा है ना कि जी राणा सनाउल्ला को क्या पता है, जी मियाँ शहबाज शरीफ को क्या पता, मेरे क्या इरादे हैं, हमें तुम्हारे इरादों का पता है, तुम्हें ये मालूम नहीं है। ये इंतज़ामी जो है वो इंतज़ामात के अलावा, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के अलावा दो तजावीज़ और हैं जो सियासी तौर पे जो है वो डिस्कस हो रही हैं, उनमें से किसी एक की भी अगर जो है वो मंजूरी हो गई तो इसके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि इसके साथ होने वाला क्या है। जिस दिन ये धरना अनाउंस करेगा, जिस दिन ये धरना अनाउंस करेगा उसके बाद इसके लिए रास्ता नहीं होगा, ये ना निकल सकेगा ना आ सकेगा। ये तो समझता ना कि जैसे जीटी रोड के ऊपर इसने बस जो है वो बिना किसी रुकावट के इसने जनाब टॉप गियर में पहुंच जाना है इस्लामाबाद, ये इसकी भूल है। हमें भी पता है कि पंजाब में और केपीके में जो हुकूमतें हैं वो इसकी अलाई हैं या इसकी पार्टी की हैं, और उनका जो रवैया होगा उस रवैये को भी हम कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली जो है वो उसको भी हम फेस करेंगे या कन्फ्रंट करेंगे या उनको हम आइन के दायरे में जो है वो लाने की कोशिश करेंगे, और उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और जो कॉन्स्टिट्यूशन से बाला जो है वो कोई ऑफिसर या कोई गवर्नमेंट जो है वो करेगी तो उसे वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो मेजर्स फेस करना पड़ेंगे, लेकिन ये टापो टाप नहीं आएगा इंशाल्लाह ताला। और इसे मालूम ही नहीं, ये तो समझता है कि बस मैं ऐलान कर दूंगा उसके बाद मैं आ जाऊंगा, ये ऐलान करे उसके बाद इसको फिर ये फिक्र होगी कि अब मैं क्या करूं, अब ऐलान कैसे वापस लूं, तो अगर जाऊं तो कैसे जाऊं। ऑल पार्टीज इजलास हुआ था जिसमें तमाम पार्टीज के सरबराहों ने जो इस इत्तेहादी हुकूमत में शामिल हैं उनके सामने भी वज़ीर आज़म की इजाज़त से जो है वो मैंने वो सारा जो है वो रखा प्रोग्राम, उन्होंने उसकी तायद की, उन्होंने उसकी मंजूरी दी। और इसी तरह से जो है वो कल हमारी पीएमएलएन की पार्टी का भी जो है वो इजलास हुआ है और उसमें भी इस बात को की तायद की गई है कि हर वो अमल जो है वो अपनाया जाए जो इस्लामाबाद को, इस रियासत के कैपिटल को सिक्योर करे, और किसी कीमत पे इसके इस हरबे को जो है वो कामयाब जो है वो ना होने दिया जाए। और उसके लिए जो है वो
लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को हर तरह की सहूलत और हर तरह का जो है वो कानूनी इख्तियार जो है वो दिया जाए ताकि वो इस्लामाबाद को जो है वो महफूज कर सकें और इंशाल्लाह ताला करेंगे। सैफुल्ला नियाज़ी और हामिद जमान जो हैं उनको जो है वो फॉरेन फंडिंग केस जो है उसमें ये पेश नहीं हो रहे थे, इनको हिफाजती हिरासत में लिया गया है और ताकि इनसे पूछगिछ की जाए और इसी दौरान अगर ज़रूरी हुआ तो ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी करके उनको गिरफ़्तार भी कर लिया जाएगा।